हेलो दोस्तों, मेरा नाम एस बसंत कुमार, उड़ीसा बॉबर चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बढ़ते हैं हैदराबाद गंदमगुड़ा में मेरा अपना रेंटेड हाउस। दोस्तों एक्चुअली मैं उड़ीसा का हूँ, 26 साल से हैदराबाद में रहता हूँ और यहाँ के नगर बूंदावन कॉलोनी में 4 साल से रहता हूँ। मैं आपको के नगर बूंदावन कॉलोनी और मेरा रेंटेड हाउस दिखाऊंगा, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और बन सकते हैं। दोस्तों ये गंदमगुड़ा मेन रोड है और ये जो गेट है के नगर फेस टू गेट है। बूंदावन कॉलोनी जाने के लिए इसी गेट में एंट्री करते हैं। बूंदावन कॉलोनी जाने के लिए सबसे पहले हम राइट टर्न लेंगे। राइट टर्न लेने के बाद थोड़ी देर पैदल चलेंगे। पैदल चलने के बाद यहाँ पर लेफ्ट टर्न लेंगे। लेफ्ट टर्न लेने के बाद यहाँ पर सीधा 200 मीटर तक जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बूंदावन कॉलोनी आएगा। बूंदावन कॉलोनी में राइट टर्न लेंगे। जैसे कि राइट टर्न लेंगे यहाँ पर बूंदावन कॉलोनी आ गया है। आप देख सकते हैं ये बूंदावन कॉलोनी है। दोस्तों ये देखिए, ये जो किराना शॉप है, इस बिल्डिंग में मैंने पहले रेंट में रहता था। ये बिल्डिंग सेल हो गया है और यहाँ पर खाली करने के लिए बोला है। मैं यहाँ पर खाली कर दिया हूँ आज। और थोड़े से आगे आप देखिए, यहाँ से थोड़ी से दूर है जहाँ पर मेरा छोटा बेटा खेल रहा है, वहीं पर मैंने रेंट लिया। और ये जो रास्ता है केकेटू से आउटसाइड जाने के लिए रास्ता है। गंदमगुड़ा केकेटू में वृंदावन कॉलोनी है। मैं इस कॉलोनी में 4 साल से रहता हूँ। आप देख सकते हैं इस कॉलोनी में रूम रेंट मिलना मुश्किल है और ये रूम मुश्किल से मिला है। मैं हैदराबाद में इस घर में रेंट में रहूँगा। आपको मैं अपना घर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो घर है 15-20 दिन पहले बना है। जैसे ही बन के तैयार हो गया है, मुझे ये रूम रेंट पे दे दिया। मैं इसी रूम के बारे में बताऊंगा, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों इस घर का मेन गेट है और यहाँ पर मेरा बेटा आ रहा है और मेरा वाइफ है। मैं आपको इस घर के बारे में वीडियो दिखाऊंगा, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और बन सकते हैं। दोस्तों ये जो घर है, छोटा सा एजबेस्ट घर है और उसका सामने खाली स्पेस है और यहाँ पर मेरा बेटा खेलता है। और यहाँ पर मैंने उड़ीसा बाबू चैनल के लिए खाना बनाऊंगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा बाथरूम है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बर्तन धोने के लिए छोटा सा खाली स्पेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको रूम दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये जो रूम है सिंगल रूम है। मैं यहाँ आज थोड़ा सा सामान उठा के रखा हूँ और यहाँ पर पूजा करने के लिए मैं अपना भगवान को रखा हूँ और पूजा भी किया हूँ। और यहाँ पर मेरा बैग है और यहाँ पर मेरा किताब है और यहाँ पर मेरा खाना पीना बनाने के लिए राशन पानी और घर का सामान है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इस रूम में मैं अपना दूसरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल बिट्टा एक्स आई क्यू के लिए वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे टेक्निकल बिट्टा एक्स आई क्यू यूट्यूब चैनल में विजिट कर सकते हैं। वो चैनल उड़ीसा एड्रेस में 6-7 महीना पहले मोनेटाइज हो गया है। आप उस चैनल में विजिट कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मेरे दो यूट्यूब चैनल है, टेक्निकल बिट्टा एक्स आई क्यू और उड़ीसा बबरू चैनल। दोनों चैनल के लिए मैंने सारे वीडियो हैदराबाद में बने हूँ। आप मेरा वीडियो वॉच कर सकते हैं और चैनल में विजिट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उड़ीसा का हूँ। मैं नेक्स्ट मंथ जून 2 तारीख को उड़ीसा जाऊँगा और उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। आप मेरा वीडियो वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और